हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के ब्लॉग में हम डिस्कस करेंगे दिल्ली से लद्दाख के पैकेज के बारे में, बाय रोड ट्रिप के बारे में टेम्पो ट्रेवल से। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नए नए ब्लॉग्स के बारे में इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों, ब्लॉग पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और अपने कमेंट्स भी शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इन्फॉर्मेशन दिल्ली टू लद्दाख टूर पैकेज के बारे में। दोस्तों, दिल्ली से लद्दाख का जो टूर पैकेज है बाय रोड टेम्पो ट्रेवलर से, ये फिक्स डिपार्चर है और ये 10 नाइट 11 डेज का है। मैं ब्रीफ में शॉर्टकट में आपको बताता हूँ, डिटेल्स आपको व्हाट्सएप कर दिए जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में नंबर व्हाट्सएप नंबर पड़ा हुआ है, आप उसमें व्हाट्सएप मैसेज कर दें और आपको फुल आइटनरी भेज दी जाएगी। तो दोस्तों, ये ट्रिप ऐसा होगा, रात को डिपार्चर होगा, अलग अलग डेट्स होंगी, हर महीने में 2 से 3 डेट्स होंगी, जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर में। तो रात को करीब 10 बजे डिपार्चर होगा डिनर करने के बाद। ओवरनाइट जर्नी होगी, करीब मनाली 570 किलोमीटर दूर है, करीब 11 से 12 घंटे लगते हैं। मॉर्निंग में आप मनाली पहुंच जाएंगे, थोड़ी देर आराम करिए चायन कॉटेज मनाली में, फिर आप एक्सप्लोर कर सकते हैं हाफ डे मनाली टूर, जिसमें आप मॉल रोड घूम सकते हैं, नेहरू पार्क घूम सकते हैं, वशिष्ठ टेम्पल, हिडिंबा देवी टेम्पल, बाकी टाइम आप आराम कर सकते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करके आप ड्राइव करके जाएंगे जिस्पा, जो 150 किलोमीटर दूर है, करीब 5 घंटे लग जाते हैं। जिस्पा पहुंच के, जिस्पा का एल्टीट्यूड है करीब 10,500 फीट के आसपास। फिर वहां पे आप आराम करिए, थोड़ी देर फोटोग्राफी करिए, आसपास का एरिया घूमिए। वहां पे कैंप में स्टे होगा, अटैच वॉशरूम वाले कैंप्स होंगे, प्रॉपर बेडिंग वगैरह सब कुछ होगा, लाइट जनरेटर से होगी तो मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं, सारा कुछ हो जाएगा। दोस्तों, जिस्पा से हम चलेंगे लेह के लिए, जो 285 किलोमीटर दूर है और करीब 9 घंटे का टाइम लग जाता है। सुबह 7-8 बजे निकलेंगे तो शाम को 6 बजे करीब पहुंचेंगे लेह। बीच में हम जो पास क्रॉस करेंगे वो होगा टांगलांगला। जैसे आप जानते हैं कि ला मतलब खुद पास होता है, हिंदी में दर्रा बोलते हैं, इंग्लिश में पास, और लद्दाखी लैंग्वेज में ला बोलते हैं। तो टांगलांगला, नाकीला और लाचुंगला, ये हम क्रॉस करेंगे, लेह पहुंचेंगे। लेह में नाइट हॉल्ट होगा, नेक्स्ट डे पूरा दिन होगा लेह की लोकल साइट सीइंग के लिए, जिसमें हम गोमपास देखेंगे, शांति स्तूप देखेंगे, लोकल साइट सीइंग प्लेसेस देखेंगे। नाइट हॉल्ट फिर होटल में होगा। अगले दिन मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के बाद हम जाएंगे नुब्रा वैली। नुब्रा वैली जाने के लिए हमारा टेम्पो ट्रेवलर चेंज हो जाएगा, वहां का लोकल टेम्पो ट्रेवलर हम यूज करेंगे, उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर भी होगा। नुब्रा वैली जाने के टाइम पे रास्ते में हमें मिलेगा खरदुंगला, यानी खरदुंग पास, जो वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड है, करीब 18,350 फीट अबव सी लेवल है। वहां हम चाय पीने के लिए रुक सकते हैं, लेकिन ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं होता है क्योंकि ऑक्सीजन लेवल कम होता है वहां पर। नुब्रा वैली पहुंच जाएंगे, वहां हम डिस्किट पहुंचेंगे, वहां से फिर हम हुंदर भी जाएंगे, जहां पे बैक्ट्रियन कैमल की राइड आप कर सकते हैं, एटीवी राइड्स भी मिलती है रास्ते में। बैक्ट्रियन कैमल के बारे में एक ब्लॉग मैंने बनाया हुआ है, जिसकी इन्फॉर्मेशन मैं आई बटन में दे रहा हूँ। नाइट हॉल्ट आपका होगा डिस्किट में होटल में। नेक्स्ट डे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के बाद आप चेकआउट करेंगे और जाएंगे पैंगोंग लेक। पैंगोंग लेक जाने के लिए श्योक विलेज होके जाना होता है, करीब 200 किलोमीटर की ड्राइव है, 6 से 7 घंटे का टाइम लगता है। पैंगोंग में आप नाइट होल्ड करेंगे स्विस कॉटेज स्टैंड में, पैंगोंग लेक के किनारे वुडन कॉटेजेस भी हैं, अटैच वॉशरूम है। नाइट होल्ड के बाद डिनर वगैरह वहां होगा। नेक्स्ट डे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करके फिर आप आ जाएंगे पैंगोंग से लेह, जो 225 किलोमीटर दूर है, करीब 6 घंटे का टाइम लगता है। फिर आप लेह में आराम करिए, डिनर होगा, नाइट स्टे होगा। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम लेह से चलेंगे सरचू की तरफ, 250 किलोमीटर दूर है, करीब 7 से 8 घंटे का टाइम लगता है। यहाँ भी कैंप में स्टे होगा, अटैच वॉशरूम वाले कैंप्स हैं, आराम करिए, फोटोग्राफी करिए। ब्रेकफास्ट करके नेक्स्ट डे मॉर्निंग चलेंगे मनाली की तरफ। सरचू से मनाली का डिस्टेंस है करीब 177 किलोमीटर दूर, करीब 6 घंटे का टाइम लगता है। मनाली में फिर आप आराम करिए, अगर मन करे तो शाम को मॉल रोड घूमने जा सकते हैं। डिनर होगा, नाइट स्टे होगा चयन कॉटेज मनाली में। नेक्स्ट डे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करके सुबह 7-8 बजे आप ड्राइव पे निकलिए दिल्ली के लिए, करीब 12 घंटे का टाइम लगेगा। अगर आप 8 बजे चले थे तो रात को 8-8:30 बजे आप दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से हमारी 10 नाइट 11 डेज की दिल्ली टू लद्दाख ट्रिप कंप्लीट हो जाएगी। इस पैकेज में दिल्ली से लेके लद्दाख का आने जाने का टेम्पो ट्रैवलर, लोकल साइट सीइंग, 10 नाइट का स्टे कैंप्स और होटल्स में, 10 ब्रेकफास्ट और 10 डिनर्स हमारी तरफ से। जैसे कि आप जानते हैं कि मेरी एक कंपनी का नाम है हमारा हॉलीडे प्राइवेट लिमिटेड और दूसरी कंपनी का नाम है चयन होटल्स एंड रिसॉर्ट्स। तो ये मेरा ही ग्रुप है, कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसमें आप व्हाट्सएप करेंगे तो आपको पूरी डिटेल्ड आइटनरी भेज दी जाएगी
थिंग्स टू कैरी, पैकेज इंक्लूड्स, पैकेज एक्सक्लूड्स, पेमेंट डिटेल्स, कैंसिलेशन पॉलिसी, सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप से भेज दी जाएगी। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन दिल्ली टू लद्दाख रोड ट्रिप के बारे में। अगले ब्लॉग में नई इन्फॉर्मेशन के साथ फिर मिलेंगे। मेरी फिर आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, वंदे मातरम।